हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो मैं अभी अपने वाइट माउस को ये फीड करने वाला हूँ, तुलसी जी की लीव्स, खीरा और रोटी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी मैंने तुलसी जी की लीव्स से तो ये देखिए ले गए, इन्हें काफ़ी अच्छी लगती तुलसी जी की लीव्स। ये काफी शौक से कहते ये सब चीज। ये काफी बड़ी ली हुई है, देख सकते। अच्छे से खा रहे हैं, ये देख सकते, बस इतना सा पार्ट बचा है। और अभी मैं दूंगा इन्हें रोटी, यहाँ पे रोटी और खीरा बचा है। अभी वो तुलसी जी खा रहे हैं, देख सकते। तो दोस्तों, वाइट माउस काफ़ी अच्छे पेट होते हैं, आप इन्हें ले भी सकते हैं। ये 100 से 300 तक के आते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। ये देख सकते हैं, ये आ गए लेने। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं। और भी मैं इन्हें खीरा देता हूँ, देख सकते हैं इसका ये गूदा काफ़ी अच्छे से खाते हैं, देख सकते हैं। ये जो बीच में गूदा है इसे काफ़ी अच्छे से खाते हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से कुतर कुतर कर खा रहे। ओ भाई, बड़ा वाला ने अंदर ले गया। अभी और भी है खीरा, देख सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स और सारी वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे से खा रहे हैं। इनका मैंने टाइम बना रखा है, उस पर मैंने खाना दे देता हूँ। ये धनिया, गाजर, खीरा, सारे सलाद्स बहुत अच्छे से खाते हैं और सारे फ्रूट्स भी। गूदा ले गया उसने, पूरा ऐसा है। देख सकते हैं अभी दोनों खा रहे हैं काफी अच्छे से। यहाँ पे मैंने कंटेनर में वाटर भी डाल रखा है इनके लिए, देख सकते हैं। आपको इनके कंटेनर में हमेशा साफ पानी रखना चाहिए, देख सकते हैं कितने अच्छे से खा रहे हैं, देख सकते हैं। इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है, ये काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। और इनकी लाइफ स्पैन की, इनकी लाइफ स्पैन की बात करूं तो ये 2 से 3 साल तक जी लेते हैं। ये आपको शॉप्स में 100 से 300 तक अवेलेबल होते हैं, इनकी प्राइस रहती है। और जो इनके छोटे बेबीज जो रहते हैं वो आपको 100 रुपीज़ के पेयर में मिल जाएंगे, ये देख लूँगा। आप लोग काफ़ी क्यूट है, ओ। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Bye.